हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ एमसीक्यूज है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारी सबसे पहली न्यूज कौन सी है। आज सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, PMUY के बारे में। तो कंटेक्स्ट एक्चुअली ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की एक रिव्यू है, एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति भवन में जिसका नाम है LPG पंचायत। तो LPG पंचायत को लेकर कंटेक्स्ट है कि LPG पंचायत है उसमें उज्ज्वला योजना के बारे में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें एक्सपीरियंस है वो शेयर किया गया, महिलाओं से एक्सपीरियंस है वो लिया गया कि भाई किस तरीके से उन्हें बेनिफिट्स वगैरह हुए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम काफ़ी अच्छी थी। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देखते हैं। यह यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी। इसका टारगेट रखा गया था कि जो BPL क्लास से नीचे जो लोग हैं, BPL क्लास के जो लोग हैं उनमें महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन वो दिए जाएंगे। क्योंकि देखो महिलाओं के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें खाना बनाने में अगर वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह या फिर लकड़ी वगैरह का यूज़ करती है तो उस कंडीशन में उन्हें काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो और धुएं से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने उनकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये लेके आए गए थे। तो यह एक इसमें इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा पॉइंट आता है वही आता है कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये स्कीम है लेके गई है और यह पहली एक ऐसी स्कीम है जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें फ्री गैस कनेक्शन है ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करने की बात है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह आई है मतलब प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल है उसकी 4th लेवल की मीटिंग है वो इंडिया में न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो उसी को लेकर हम इसके बारे में देख लेते हैं, ये बॉडी के बारे में। तो इसका देखो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये आता है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुरी और नॉन परमानेंट एक बॉडी है और बट ये इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है, मतलब स्वतंत्र रूप से बॉडी काम करती है। ना तो इसका इस बॉडी के बारे में संविधान में उल्लेख है, ना ही यह वो स्टेचुरी बॉडी है कोई एक्ट के तहत बनाई गई है और इसी के साथ ही कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। मतलब जब चाहो तब इस बॉडी को डिसकंटिन्यू है वो कि इस काउंसिल को डिसकंटिन्यू है वो किया जा सकता है, बट स्वतंत्र रूप से है काम करती है। अब इस बॉडी का आखिर काम क्या है वो देखते हैं। देखो इस बॉडी का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस काउंसिल का। इसका काम मेनली है कि प्रधानमंत्री को काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जैसे कि महंगाई वगैरह हुआ या फिर इकोनॉमी के बारे में या फिर ट्रेड वगैरह या फिर इन्वायरमेंट के बारे में एक एनालिसिस है, डीप एनालिसिस करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये इस बॉडी का काम ये है। और अभी इसकी 4th लेवल की मीटिंग है वो आयोजित हुई थी तो हमें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह बेसिक पता होना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखने की स्टेचुरी बॉडी नहीं है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है NHAI के बारे में। NHAI क्या है? ये NHAI यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट एक्चुअली यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी यह डिसाइड किया है कि जो भी इंडिया के नेशनल हाईवे हैं उन सब को रैंकिंग है वो दी जाएगी उनके सर्विसेज के आधार पे कि नेशनल हाईवे हैं वो किस तरीके की सर्विस हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि देखो नेशनल हाईवे वो क्या कि किसी प्राइवेट कंपनी के बार के उनको टेंडर वगैरह पे दिया जाता है, उनके तहत काम करवाया जाता है। तो उस कंडीशन में किस तरीके की फैसिलिटी उन हाईवे पे दिया जा रहा है उन सबको चेक करते हुए एक रिव्यू है वो किया जाएगा ताकि उनको अवार्ड वगैरह वो दिया जा सके और वापस में कंपटीशन वो बूस्ट किया जाए। अब देखो होगा क्या कि नेशनल हाईवे पे सर्विस वगैरह अच्छी प्रोवाइड करा जाएंगे तो उस कंडीशन में कस्टमर हैं वो रिव्यू अच्छा देंगे तो उस हाईवे को गवर्नमेंट कुछ अच्छा प्रोत्साहन वगैरह करेगी तो अगली जो कंपनी को टेंडर वगैरह लेने में काफ़ी सहायता है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट वो मिलेगा। इसमें सफाई को या स्टाफ का किस तरीके का बिहेवियर उसको फोकस किया जाएगा, इसी के साथ देखा जाएगा कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है, खाने पीने की जो एक तरीके से कैंटीन है कैटरिंग वगैरह वो अवेलेबल है नहीं है, उन सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया जाएगा रैंकिंग के आधार पर। तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि मेनली काम इसका यह है कि इंडिया के जो भी नेशनल लेवल के हाईवे हैं रोड्स हैं उनको है मैनेजमेंट और उनका रखरखाव के साथ साथ उनको बनाने वगैरह का काम है वो करती है और ये एक नोडल एजेंसी है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक न्यूज़ तो हमने कंप्लीट की। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है न्यू ईल स्पीशीज के बारे में। ईल जैसा हमने कल क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि एक बाम मछली होती है, मतलब लंबी टाइप की मछली होती है। एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ऐसे इस तरह की फिश होती है इनको बोला जाता है ईल स्पीशीज। तो इसको लेके ये न्यूज़ आई है तो हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कंटेक्स्ट। तो हमने देख लिया कि नई ईल स्पीसीज वो पाएगी है तो इसमें UPSC ये पूछ सकती है कि रिसेंटली नई ईल स्पीसीज है वो कहाँ पाएगी है बाम मछली। तो देखो यह मेनली ओशियन और जो नदी होती है उनके बॉटम के मतलब पेंदा होता है उस लेवल पे मछली पाई जाती हैं और यह अभी जो पाएगी है वेस्ट बंगाल में। तो यह 3 स्पीसीज पाई गई हैं तो हमें तीनों के बारे में ऐसा नहीं देखना कि कौन सी स्पीसीज कौन कौन से एरिया में कौन कौन से स्टेट में पाई गई है, मतलब बॉर्डर पानी वाले बॉर्डर वाले एरिया में। बस यही ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में मतलब बे ऑफ बंगाल में ये स्पीसीज हैं वो पाई गई हैं तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आई है इंडिया हेल्थ फंड के बारे में।
तो इंडिया हेल्थ फंड के बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही आता है कि है टाटा ट्रस्ट और ग्लोबल फंड का एक इनिशिएटिव है, मतलब टाटा ट्रस्ट और ग्लोबल फंड है उसके द्वारा इस फंड का निर्माण है, वो किया गया है। अब इंडिया हेल्थ फंड का काम क्या है? देखो, इस फंड का मेनली काम ये है कि इंडिया में जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनके उनसे निपटा जाए और उनके लिए फंड पर्याप्त फंड है उसका जुगाड़ किया जाए, मतलब हेल्थ की समस्याओं से निपटने के लिए फंड की जरूरत होती है और वो फंड एलोकेट करवाया जाएगा इंडिया हेल्थ फंड के द्वारा। अब देखो, इस फंड में मेनली स्टार्टिंग में फोकस किया जाएगा, वो किया जाएगा ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी और मलेरिया पे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का टारगेट ये रखा गया है कि भाई टीबी को 2025 तक इंडिया में फ्री, मतलब टीबी फ्री घोषित करना है इंडिया को, और मलेरिया को घोषित करना है 2030 तक, मतलब 2030 तक इंडिया में मलेरिया फ्री घोषित करना है। तो गवर्नमेंट के मेनली दो टारगेट हैं सबसे बड़े, इन टारगेट को अचीव करने पर स्टार्टिंग में इस फंड का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके लिए होगा ये गवर्नमेंट इस फंड का यूज करेगी कि जो टीबी और मलेरिया के जो नई वैक्सीन वगैरह है, नई रिसर्च वगैरह है, उनको फोकस किया जाएगा या उनको प्रमोट किया जाएगा, तो उसको लेके ये न्यूज़ थी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह ये इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस के बारे में, तो देखते हैं क्या ये। यह मेनली इंडिया का बिगेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो कि फार्मा इंडस्ट्री का बहुत, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस है। अब है क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि बेंगलोर में आयोजित हो रहा है और इसकी थीम क्या है वो देख लेते हैं। इसकी थीम है वो इस बार की हुआ है ड्राइविंग नेक्स्ट जनरेशन फार्मास्यूटिकल्स, तो ये हमें ध्यान रखना कि इसकी थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमें ध्यान रखनी है। इसका मेन मोटो ये है कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर को फोकस करते हुए सस्ती और जो जेनरिक मेडिसिन है वो प्रमोट करना, ताकि लोग इजीली ट्रीटमेंट वगैरह है उस पर करवा सकें। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, यह स्टार्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो कि आता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसको स्टार्ट किया गया वो किया गया केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और FICCI फिक्की के द्वारा, जो कि एक कॉरपोरेट ग्रुप है। तो यह हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो ध्यान रखने, काम जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए काम करेगा। अब चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि खजुराहो का मंदिर है वो कहाँ पे है, और अगला है वो है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ पे है, और अगला क्वेश्चन है वो है गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा फोर्ट है वो कहाँ पे है। दो तीन तीनों का आपको आंसर बताना है। वैसे आपको आंसर वो PDF में मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने इनका आंसर है वो मेंशन कर दिया है, आपको यहाँ पे आंसर इजीली मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि जो सुभाष गर्ग पैनल था वो किस लिए आया था, अभी रिसेंटली है न्यूज़ में था, और इसी के साथ आपको बताना है कि रतन वतन जो कमेटी आई थी वो किस लिए आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो UPSC इनको मेज द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकती है, तो ये आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेनली ये जो कछुए की नई प्रजाति है इंडिया में पाई जाती है, मेनली इंडिया में 5 कछुए की प्रजाति पाई जाती हैं, उनको लेके ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि हेवकस बिल जो कछुए की प्रजाति है वो कौन सी में है, वल्नरेबल में है, कौन सी में है, ये देखो सामने आपको ऑप्शंस दिया गया, इनको आपको अरेंज करना है, ये सही नहीं है, आपको भी बता रहा हूँ। इसके बाद में अगला वो है ग्रीन टर्टल है, वो क्रिटिकली इंजेंडर्ड लिस्ट में आता है या कौन सी लिस्ट में आता है। फिर नेक्स्ट है वो है लेदर बैग के बारे में, कि लेदर मेनली 5 कछुए की प्रजाति पाई जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कल के वीडियो में उन सबको आंसर के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किरण के बारे में, तो देखो ये आपको किरण के बारे में बताना है कि किरण है क्या, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, एक स्कीम है या एक इनोवेशन है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखते हैं हम कल के क्वेश्चन की तरफ। कल का मेनली जो क्वेश्चन था वो एक तो हमने इल स्पीसीज थी तो वो तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसके बाद में था कैंपा बिल के बारे में कि कैंपा क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैंपा है वो है मेनली कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब देखो ये है क्या, इस बिल यह बिल इसलिए लेके आ गया था कि हमारे देश में क्या है कि जब भी कई बार कोई नई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो नई इंडस्ट्री लगाते टाइम काफ़ी दिक्कत सी आती है कि उसके लिए काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह लैंड एरिया को कवर करना होता है, तो उस कंडीशन में फॉरेस्ट वगैरह के एरिया को मतलब क्या कहते हैं डिफॉरेस्ट किया जाता है, मतलब वहाँ से पेड़ पौधे हैं वो काट दिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ से पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पेड़ दूसरी जगह तो हमें लगाने होंगे, अदरवाइज हमारे इन्वायरमेंट का काफ़ी डिग्रेडेशन या नुकसान होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि भैया पेड़ पौधे काट रहे हो तो उनकी जगह दूसरी जगह लगाने हैं, तो आप इसके लिए जो भी कॉर्पोरेट ग्रुप वहाँ पे मतलब इंडस्ट्री वगैरह लगा रहा है तो उसको कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट को देना होता है, फिर गवर्नमेंट उसका उस पैसे को ट्रांसफर करती है, वो करती है कैंपा इस एक फंड में। तो इस फंड का मेनली यूज यही होता है कि भाई जो पैसा यहाँ पे आया है फॉरेस्ट को काटने से उस पैसे को यूज करते हुए दूसरी जगह पे फॉरेस्ट है वो लगाए जाए, मतलब एक फॉरेस्ट को काट के दूसरी जगह पे फॉरेस्ट करने के लिए फोकस है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो मैकेनिज्म है उसको भी एक तरीके से कंट्रोल हो किया जा सके, तो उसी के लिए कैंपा एक था, तो हमने इसे डिस्कस किया। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है यह मेनली
लाला सेंचुरी है जो कि गुजरात में है, तो वो ऑप्शन गलत था, क्योंकि लाला सेंचुरी वहां पे राजस्थान लिखा हुआ था, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत था। लाला सेंचुरी गुजरात में है, वहां पे स्पीसीज काफी ज्यादा संख्या में पाई जाती है। और इसी के साथ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972, उसके शेड्यूल फर्स्ट में यह रजिस्टर्ड है। और अगला पॉइंट वो ये था कि IUCN की है क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में यह शामिल। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए किसके बारे में तो हमने डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।